धार्मिक नगरी वृंदावन में बेरियावन में 15 फीट गहरे बोरवेल में अचानक एक गाय का नवजात बच्चा गिर गया, जहां करीब 2 घंटे तक जेसीबी द्वारा रेस्क्यू किया गया, तब कहीं जाकर बछड़े को सकुशल बाहर निकाला जा सका। धार्मिक नगरी वृंदावन में बेरियावन के पास 15 फीट गहरे बोरवेल में एक गाय का नवजात बच्चा गिर गया। बोरवेल में बछड़े के गिरने की सूचना मिलते ही आश्रम के लोगों ने डायल 112 और नगर निगम को सूचना दी। आनन फानन में पीआरवी 1916 ब्रजवासी गौरक्षक दल के सदस्य और निगम कर्मी मौके पर पहुंच गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी के सफल प्रयासों के चलते जेसीबी की सहायता से बछड़े को सकुशल बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि जिस बोरवेल में बछड़ा गिरा वहाँ बेरियावन में निगम का बोरिंग कार्य चल रहा था। और तो और बताया जा रहा है कि बोरिंग का कार्य 2 दिन पहले ही पूरा हो चुका था, बावजूद इसके निगम कर्मियों ने बोरवेल को ऊपर से बंद नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं किसी भी बोरवेल को खुला न छोड़ा जाए, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो। नगर निगम की लापरवाही के चलते एक नवजात बछड़े की जान जा सकती थी। गनीमत ये रही कि सभी के सार्थक प्रयासों के कारण बछड़े को नया जीवन दान मिल गया। क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम ओम स्वामी है। और महाराज जी, क्या घटना हुई थी आज? अभी यहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक आज नई हमारी जो गैया थी वो निकली हुई थी घास वगैरह चरने के लिए जंगल में, और वो गर्भवती भी थी, वो 2-3 दिनों में बच्चा देने वाली थी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे। और संयोग से आज वो जहाँ पर बोरिंग हो रहा था, जिस जगह पर नगर निगम के द्वारा जहाँ पर बोरिंग कराया जा रहा है, वहीं पर उसने बच्चा दिया। और देने के बाद वो बच्चा वहाँ स्वयं से खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद में बोरवेल में, चूँकि बोर वो ढका हुआ नहीं था, यदि ढका रहता तो कोई दिक्कत नहीं आती, और उसमें जा कर के गिर गया। और भगवान की कृपा से बोर में गिरा तो सही, लेकिन वो सुरक्षित था और उसमें से बोल भी रहा था। शाम को हमारे गौशाला के सेवक लोग गए यहाँ से गायों को लाने के लिए, तो बछड़े की आवाज़ आ रही थी, तो लोग थोड़ा घूमने लगे, जंगलों में खोजने लगे, आपस में विचार करने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन जब उन्होंने बोर की तरफ देखा तो पता चला कि बछड़ा इसमें ही है, और बछड़ा इसमें है, तो फिर हम लोग सभी परेशान हुए और अपने तरफ से प्रयास करने लगे। फिर बाद में यह विचार आया, यह नगर निगम का कार्य है तो उनको सूचना देना जरूरी है, क्योंकि उनकी मशीन आदि सब खड़ी हुई है बोरिंग के लिए, तो वहाँ सूचना दिया गया और मेयर साहब को सूचना दिया गया, आपके पुलिस जो बंधु लोग हैं इन लोगों को सूचित किया गया, ये लोग तुरंत तत्काल सूचना मिलते ही आए, और नगर निगम के भी कुछ कर्मचारी लोग आए, और हमारे गौरक्षा दल के भी लोग आए, और संत महात्मा भी लोग आए, और सबके सहयोग से परिश्रम से जेसीबी से उसको मिट्टी वहाँ से हटा करके, फिर धीरे धीरे फावड़े से हटा के बछड़े को सकुशल निकाल लिया गया। तो बोरवेल में गिरी थी वो कितने फुट था? बोरवेल में जो गिरी थी वो लगभग करीब 15 फीट से कम नहीं था, 15 फीट के लगभग जरूर था, और अंदर अच्छा खासा एक स्पेस था, जगह था, जैसे कि बछड़ा उसमें घूम भी ले रहा था बचा हुआ। जिस तरह से बोरवेल में गिरी, और ये काम किसका चल रहा था? जी, नगर निगम का कार्य चल रहा था। तो क्या उन्होंने बोरवेल को बंद नहीं किया? हाँ, इन लोगों ने बंद नहीं किया था, यही उन लोगों की त्रुटि थी, कमी थी, और हो सकता है भूल गए हों बंद करना शायद। हाँ, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे सूचना मिलते ही हमारे जो भी बंधु लोग थे, पुलिस बंधु जो लोग हैं, ये लोग आके बहुत सहयोग किए, खड़े रहे, उसके बाद कर्मचारी लोग भी आकर के सहयोग किए, और तत्काल एक्टिव होकर के करीब 2 घंटे के अंदर ही उस बछड़े को सकुशल निकाल दिए। नहीं, यदि वो उस बछड़े को यदि जरा भी कुछ होता तो हम लोग संत हैं और हमारे जीवन में बहुत बड़ा अपराध बोध होता, जीवन भर हम लोग पश्चाताप करते रहते। आज हम यहाँ पे रहने वाले, इस बेरियावन गौशाला में रहने वाले जितने भी संत हैं, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि बछड़ा सकुशल निकल गया है। तो क्या कह सकते हैं कि नगर निगम की लापरवाही रही? अब मेरा कहना क्या है, अब आप लोग खुद समझिए, मेरे मुँह से कहना सही नहीं है। मैं खुश हूँ कि नगर निगम के लोग मेयर साहब के कहने पर और नगर आयुक्त साहब के कहने पर और मीडिया बंधु लोगों के दबाव से, कहिए या जो भी आए, तत्काल सहयोग किया उन लोगों ने भी। लापरवाही तो क्या थी, अगर वो लोग ढक देते तो ऐसी कोई बात नहीं आती।